नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पोपट हूँ, जो कर देता हूँ प्लान सबका चौपट हूँ। मैं एक रैपर हूँ और राजकोट का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा हूँ द ग्रेट इनसाइड स्टोरी के साथ अपनी स्टोरी लेके। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक मोरी और मैं आ रहा हूँ ग्रेट इनसाइड स्टोरी के साथ अपनी स्टोरी लेके। मैं राजकोट का रहने वाला हूँ और मैं एक रैपर हूँ और मैं आपको सुनाऊंगा हमारे मजेदार किस्से और हम मैं कैसे रैपर बना और मेरे दोस्त की कहानी। क्या आप रेडी हो गाइस? तो देखते रहिए हमारे साथ ग्रेट इनसाइड स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु पोपट है और मेरा पेट नेम है हैरी और ये मेरा फ्रेंड फारूक मुरी है, उसका पेट नेम है MFOHO। आप लोगों ने हमारा सॉन्ग देखा ही होगा, हम लोग काफ़ी आपको गिदी गिदी करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है जब मैं और हिमांशु मिले थे और हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। हमने नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इस हद तक जाएगी कि हम एक दिन दुनिया को हमारी दोस्ती, हमारा प्यार दिखा सकें गा के। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि 15 साल बाद हम ऐसे कुछ करेंगे कि आपको हंसाएंगे। मतलब हंसना सबको अच्छा लगता है, पहले से ही सबको ऐसा होता है कि हंसने की वजह से लोग खुश होते हैं। हर ग्रुप के जैसे कुछ वर्ड होते हैं, हमारे भी वर्ड थे गिदी गिदी। हर बात में हमको गिदी गिदी होती थी, मतलब हैप्पीनेस, खुशी होती थी, तो ये हम रिपीट करते रहते थे। गिदी गिदी का मतलब एक हैप्पीनेस है, एक अंदर की आग है, मतलब जो लोगों को खुश कर दी है। तो एक दिन सोचा कि कुछ लिखते हैं, बनाते हैं, मतलब लोगों को दिखाते हैं कि ये वर्ड कौन सी हद तक जा सकता है। और हमने वही किया, हमने बहुत प्यारा सा स्वीट सा एक गाना लिखा और ऐसे ही हमारी स्टोरी शुरू हो गई और हम लोग ऐसे ही गिदी गिदी थाई मैंने गिदी गिदी थाई गाने बनाने लगे। और इसके लेते ही हमने दूसरा गाना बनाया जो हमारे शहीदों पे था, पुलवामा पे। उस गाने का नाम है वीर जवान और वो गाना भी मतलब जबरदस्त था। जो देशभक्ति की जो अंदर से आग होती है वो लोगों की बुझ गई थी और हमें लगा कि हमारे गाने ने वो आग लोगों के दिल में फिर से जगाया है। और आतंकवादियों को हमने चेतावनी भी दी थी हमारे गाने में और जो हमारे शहीद जवान हो गए थे उन लोगों को हमने श्रद्धांजलि भी दी थी। और 15 से ज़्यादा न्यूज़पेपर ने हमारा इंटरव्यू लिया था और न्यूज़ चैनल में भी हमारे इंटरव्यूज आए थे, तो बहुत सारा लोगों का प्यार मिला था। अभी हमारे बहुत सारे गाने आ रहे हैं, हमारा शूटिंग चल रहा है, उसमें पहला प्यार करके गाना है, पहला पहला प्यार मेरा, पहला प्यार करके। दूसरा हमारा एक गाना है जो आइटम सॉन्ग है, कटीली नचनिया है, कटीली नचनिया है, कटीली नचनिया है, लड़की तो कटीली नचनिया है, जिसके पीछे पागल पूरी दुनिया है, जिसकी कमरी यहाँ पे घूमती पूरी दुनिया है, कटीली नचनिया 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 है। कई बार ऐसा टाइम आया था कि हमने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अंदर में जो आग होती है, जो जुनून होता है, वो कहीं ना कहीं चल रहा था और वो जुनून को लेके हमने गाना पूरा किया। पूरा करने के बाद हमारी चैनल पे हमने लॉन्च किया देसी हैप्पीनेस, जो हमारी यूट्यूब पे चैनल है। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको व्यू किया है और 3,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसको शेयर किया है, सराहा है, प्यार दिया है। हर चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिलती है, आपको स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना ही पड़ता है, मतलब अपनी पूरी लाइफ देनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। ऐसे ही बैठे बैठे किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। लोग करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जो सारी दुनिया को खुशी दे, और वो खुशी के लिए हमने गाना बनाना स्टार्ट किया और वो भी रैपिंग पागलों की तरह। हमने बहुत सारे पागलपन किए हैं, मोर देन 100 सॉन्ग हमने लिख के रखे हैं, अब उसको रिकॉर्डिंग करना और कैमरे में उतारना बाकी है। तो आप सब रेडी हो हमारा पागलपन झेलने के लिए, हमारी खुशी को महसूस करने के लिए, पूरी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए? इसीलिए हमारे चैनल का नाम हमने देसी हैप्पीनेस रखा है, हम दोनों देसी है और एक अंदर से हैप्पीनेस निकलती है। हम इंडिया के लोगों से बहुत सारा प्यार चाहते हैं, लेकिन उतना प्यार अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारी मेहनत ऐसे ही ऐसे जारी रहेगी। हम अपनी मेहनत करते ही रहेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे अंदर जो आग है वो हम शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको खुशी दे सकते हैं, उसको जिंदगी के सही मायने सिखा सकते हैं। जितने सारे रैपर इंडिया में हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है और हम भी वही स्ट्रगल पीरियड में चल रहे हैं। तो हम इंडिया के लोगों से, हमारे देशवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़, हम जो अपने जरिए, अपने शब्दों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, उसको प्यार दीजिए और हमको हमारी मंजिल तक पहुँचाइए। एक चीज़ अंदर से खुशी ले आओ और खुश रहो, बस इतना कहना चाहते हैं अपने गाने के जरिए कि बस खुश रहो।
और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बापू, हमेशा मौज मा रियो, मौज मा। आर यू रेडी? आखी दुनिया जाए भाड़ मा, बस रहो मौज मा। ये थी हमारी स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है? स्टोरी दिखाओ, सबको मौज कराओ, दुनिया को बताओ, अपनी बातें बताओ, अपनी स्टोरी दिखाओ। ये थी हमारी स्टोरी। दुनिया तो पूरा दरिया है, लेकिन इनसाइड ग्रेट स्टोरी तो जरिया है। आप भी यहाँ पे आओ, अपनी स्टोरी दिखाओ। आपकी स्टोरी क्या है? आर यू रेडी?